हल्ला हो गया कि सातवां तो पैदा ही नहीं हुआ, आठवीं की भूमिका बनने लगी। देवकी जी का तेज अद्वितीय हो पड़ा, उनका सौंदर्य, उनका लावण्य डिवाइन अप्राकृतिक सा हो गया। मंदिर के गर्भगृह की तरह उनकी इस शरीर की शोभा होने लगी। भगवान सुंदर देवता आकर के देवकी की मंगल गर्भ स्तुति करने लगे। इस स्तुति का नाम कृष्ण स्तुति नहीं है, गर्भ स्तुति है। है तो भगवान की स्तुति पर नाम है गर्भ स्तुति। एक बार वृंदावन के एक वक्ता बोले कि एक बार गर्भ ने भगवान से प्रार्थना करी कि सब हमारी निंदा करते रहते, पुनरपि जननी जठरे शयनम। कई जगह लिखा है कि गर्भ ही तो सारा मलमूत्र का पिंड भरा, इसमें ही तो प्रवेश करना प्रकृति, हमसे इतनी दुश्मनी क्यों, हमने ऐसा क्या बुरा किया, भगवान आपने ही तो हमें बनाया। तो भगवान बोले चिंता मत करो, अब की बार में मैं गर्भ में विराजूंगा और मेरा नाम ही, मेरी प्रथम स्तुति ही गर्भ स्तुति है। इस पर खास क्या है, अभी तक परमात्मा गर्भ में नहीं आया, इस बार भगवान ने विधिवत जन्म लिया है, इसलिए कृष्ण के आगमन को जन्माष्टमी कहा जाता है, कृष्णाष्टमी नहीं कहा जाता। राम जी आते तो रामनवमी बोलते हैं, पर जो श्री कृष्ण आते हैं तो बोलना चाहिए था, जैसे राधाष्टमी भी बोलते हैं हम, तो बोलते सब कृष्णाष्टमी, पर एक पुरानी आर्ष परंपरा से सब महात्मा जन्माष्टमी कहते आए। जन चूंकि आज भगवान आए ये बड़ी बात नहीं है, पर आज भगवान ने जन्म लिया है। यशोदाया, आनंद वृंदावन चंपुकार लिख रहे हैं महाराज जी, यशोदाया क्रोडे कुबल यमी बहुजस्तद भवेत। आहा, कालिदास की तर्ज का श्लोक है, अनाग्रातम भृंगई, उसने पुष्पम लिखा है, अनाग्रातम भृंगई रनपहत सौगंध मलिनै रनुत्पन्नम नीरे स्वनुपहत मूर्भी कण भरै अदृष्टं केनापि क्वचन चचिदानंद सरसो यशोदाया क्रोडे कुबलयमि बौजस्तद भवे। ऐसे यशोदा क्रोड में विराजे, सब देवताओं ने स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य यौनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान का पहला नाम सत्य कहकर देवताओं ने स्तुति करी। भाद्र कृष्णाष्टमी का दिन अवस्थित हो गया। भगवान अति भद्र हैं, भद्र और सुभद्र दोनों लीला करेंगे। उसमें रोहिणी नक्षत्र व्याप्त हो गया, और रोहिणी नक्षत्र के ओ बा बीबू चार पद होते, तीसरा पद उपस्थित होने ही वाला था। उसी समय देखा, तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधार्युदम श्रीवत्स लक्ष्मम कलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोग सौभगम। चतुर्भुज भगवान सामने खड़े हो गए। तुमने कहा था मुझ जैसा बेटा मिले मैं सब कर सकता हूं, दूसरा भगवान पैदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं स्वयं ही आ रहा हूं, 10 वर्ष बाद तुम पर कृपा करूंगा। श्री वसुदेव जी के हृदय में आते, देवकी के गर्भ में भगवान स्थापित हो गए। मेरे बड़े महर्षि कहते, एक सामान्य बच्चा कब पैदा होता है, जब माँ के पेट में दर्द होता है। भगवान कब पधारते हैं, जब भक्त के हृदय में पीड़ा होती है। हृदय की पीड़ा से ही, हृदय जब आर्द्र होता है तभी तो परमात्मा प्रकट होते हैं। उसी समय
ठीक रात्रि के 12 बजे सारे ग्रह शांत हो गए, काल अत्यंत शोभनीय हो गया। शांताक्ष ग्रह तारकम काल परम शोभनम, आह चंद्रमा तारे सब सितारे सब कुछ शोभनीय हो गया। सुगंध मलयाचल सुंदर पवन चलने लगी, घिनी घिनी वर्षा प्रारंभ हो गई। महाराज चंद्रमा कहता बादलों हटो हम आगे रहेंगे, मेरे वंश में भगवान आ रहे हैं। बादल कहते हमारा वर्ण लेकर आ रहे हैं, मेघवर्णम शुभंगम, हमको आगे रहने दो। ये सुंदर प्रकृति आपस की दिव्य शोभा में अद्वितीय रूप से अवस्थित हो गई। उसी समय ठीक रात्रि के 12 बजे ये भारतवर्ष धन्य हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। योग माया जी ने सूप की व्यवस्था कर दी, हथकड़ी बेड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए, सारे दरवाजे खुल पड़े। उसी समय वसुदेव जी भगवान को सूप पर लेकर के मंगलमय भाव से चल दिए। सूपाकृत बुद्धि में परमात्मा आते हैं। वो सूप जो चावल और कंकड़ को अलग कर दे, वो बुद्धि जो भेद अभेद शुद्धता अशुद्धता पवित्रता अपवित्रता इन सब में अंतर कर दे, ऐसी ही बुद्धि में परमात्मा का प्रवेश हो सकता है। वसुदेव जी लेकर के चले, सारा व्रज अत्यंत आनंदित हो गया। नाना रत्नमय स्थली भिरमिता मोदावृत्यद्भुतम फुल्लै बल्लिमतल्लिका तरुवरै नीतम रसोल्लासिभिः अत्यानन्दमदाकुलै तरुवरै रावद्य कोलाहलम कालिन्द्या रसधारया बलयितम ध्यायामि वृंदावनम। कैसी शोभा व्रज की बन गई है, व्रज की रज और रज के ऊपर ओस बिंदु और उसके ऊपर चंद्रमा की आभा, तो रज कर्णिका चमक रही थी। ऐसा लगता था प्रकृति ने परमेश्वर के स्वागत के लिए कोई हीरों का ही फर्श बिछा रखा हो। दोनों तरफ कमल और कुमुद दोनों खिल चुके हैं, दोनों खिल पड़े हैं, भौरे भी अचंभित हो रहे हैं। उन कमल कुमुद जूही केतकी बकुल मौलश्रय शीर्ष चंपा पाटल के विभिन्न पुष्प जब पल्लवित होकर के चंद्रमा की अरुणिमा से दिव्य आच्छादित होकर के, आज चंद्रमा में भी अरुणिमा है क्योंकि अब प्राकृतिक स्थिति है उसके द्वारा, तभी तो अरुणिमा देखकर कमल खिला है और चंद्रमा को देखकर कुमुद खिला है। उस अरुणिमा के द्वारा आच्छादित उन पुष्पों के ऊपर जब दिव्य चंद्रमा की आभा से चमकृति व्याप्त हुई तो दोनों तरफ ऐसा प्रतीत होता था कि वैदुल्य नील विद्रुम स्फाट स्फटिक मूर्ति भी, वैदुर्य नील और विद्रुम मणि के बड़े सुंदर सुंदर चबूतरे दोनों तरफ आच्छादित कर रखे हैं। गौवंश जोर जोर से पुकारता हुआ दौड़ता हुआ सामने से आ रहा है और भागती हुई गौ माता आकर और पीछे से आके और उचक करके सूप में झांक करके जा रही है। उनके थनों से दुग्ध बिंदु 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 दुग्ध चुचाता हुआ मानो सारी ब्रजभूमि का सिंचन कर रहा हो कि आज गोपाल पधार रहे हैं, इसका सिंचन करके उनके स्वागत की मैया सुव्यवस्था कर रही है। प्रकृति ने इस गौवंश का ही एक आवृत माल्यार्पण मानो परमात्मा को समर्पित कर दिया हो। जिस वृक्ष के नीचे से श्याम सुंदर निकल जाते हैं वही वृक्ष विकंपित होता हुआ अपने पुष्प और पल्लवों को उस सूप के ऊपर आवृत कर देता है। ऐसा लगता है वसुदेव जी कमल की नाल हो गए हों। श्री श्याम सुंदर के हाथ केश चरण कमल की सुंदर दिव्य मृणाल दिव्य सुंदर उसके पल्लव हो गए हों और श्री श्याम सुंदर का हृदय ही उस दिव्य कमल की मध्य कर्णिका हो गया हो। सारे भौरे चौंक रहे, कमलम अनंबसी साच सुभगा कनक कमल लतिकायाम, आहा ये पहली बार है कि कमल किसी भौरे के पास जा रहा है, ऐसा तो आज से पहले कभी नहीं हुआ। मंद्र मंद्र गति से चले यमुना जी में उतरे तो यमुना जी की धारा तरंग लेने लगी मानो यमुना जी ने अपनी सारी सहेलियों को बुला लिया हो। हे व्यास हे नर्मदा हे चिनार झेलम रावी तृष्णा अलकनंदा मंदाकिनी हे गंगा आगम्यताम आगम्यताम आगम्यताम, आज साक्षात योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है, तुम भी इस सद सौभाग्य का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य धन्य कर लो। जैसे ही जल ऊपर चढ़ने लगा
तो श्याम सुंदर ने चरणों का स्पर्श करा के यमुना जी को शांत किया। किसी के भी उद्वेग को, आवेग को, आक्रोश को, किसी भी प्रकार के वेग को केवल श्री कृष्ण की शरणागति ही निवृत्त कर सकती है। श्री यमुना जी ने चरण प्रक्षालन पूर्वक भगवान का व्रज में विधिवत वैदिक स्वागत किया। यम नदी को पार करके दूसरी तरफ मंद्र मंद्र गति से जा पहुंचे। एक जोड़ा पहले से ही पैदा हुआ था, कन्या को उठा लिया और सूप अवस्थित बालक, पर्यंक अवस्थित बालक में लय हो गया, क्योंकि दो है ना, वसुदेव इक्षतः नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, ये दोनों आपस में सम्मिलित होकर तद्वत रूप में आकर अवस्थित हो गए। अकेले श्याम सुंदर पलने में, पास में पर्यंक पर जशोदा के सामिप्यता में विराजमान है। अभी कोई जगह नहीं है, अभी सवेरा हुआ नहीं है, तो गवाक्ष के ऊपर बड़े बड़े सप्तर्षि, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, साक्षात स्वयं देवता भी आकर झांक झांक करके परमात्मा की उस परम शोभनीय दशा का आस्वादन कर रहे हैं। ठीक गवाक्ष के पास एक दिव्य सुंदर पुष्प लगा हुआ है, क्योंकि जब कहीं जड़ में भी चेतन आ जाए तो उसमें चेतनता आ जाती है, परंतु अगर चैतन्य आ जाए तो संपूर्ण प्रकृति चैतन्य भिन्न हो जाती है। तो वो पुष्प भी पल्लवित होकर विकंपित होने लगा, आहा श्याम सुंदर आ गए हैं, उसमें भी चेतनता चैतन्यता प्रकट होने लगी, मैं कैसे उनका समाश्रय पाऊं, कैसे उनके चरण कमलों का आस्वादन। पहली बार कोई भौरे तो हजारों बार कमलास्वादन के लिए तड़पे हैं, पर आज श्री यशोदा के एक गवाक्ष के गुलदस्ते में उपस्थित हो रहा एक पुंडरीक भी विकंपित हो रहा है कि कब उसको श्री कृष्ण चरण मकरंद के आस्वादन का सदसौभाग्य प्राप्त हो जाए। पर वो बेचारा जड़वत वहीं बैठा हुआ है, वो तो जड़ है ना, उस पे तो कोई चरण नहीं है, वो तो स्वयं चल नहीं सकता। वहां बैठा बैठा श्याम सुंदर की रूप माधुरी, अंग माधुरी, रस माधुरी, नयन माधुरी, चरण चापन माधुरी का समास्वादन करता हुआ वहीं बैठा तड़प रहा है। उसी समय किशोरी जी महाराज वृषभान घर में पहले आ चुकी है, उस भक्त की पीड़ा को समझ कर रात्रि के समय करवट बदलते समय प्रिया जी ने एक बड़ा सुंदर श्वास, गहरी श्वास ली, एक गहरी जमाई ली, उस गहरी श्वास के आवर्त में मलयाचल पवन का ऐसा आवर्त प्रकट हुआ जो श्री कृष्ण के स्वागत के तद्वत रूप में आकर एक थाल की तरह उस गवाक्ष के भीतर प्रवेश करता हुआ उस आवर्त में उस कमल को उठा करके श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर किशोरी जी ने ब्रज में श्याम सुंदर का स्वागत कर दिया। ऐसी दिव्य मंगल दिव्य कांति का समास्वादन अवस्थित हो गया। अब थोड़ा सब अपनी तरंग है, मैं सबको हिसाब से कहूं, उसी समय महाराज प्रभात के सूर्योदय ने प्रकट होकर के अपनी आरुषि का स्पर्श श्याम सुंदर के नीलेंदी पर नीलमणि बपू के ऊपर अवस्थित किया, और जैसे ही प्रथम किरण श्याम के नीलमणि बपू के ऊपर पड़ी तो आच्छादित होकर सारे भवन को चमकृत कर देती है। रोहिणी मैया के आनंद की सीमा नहीं रही, एकदम आंखें खोली तो किलकारियों की आवाज आई, यशोदा मूर्छा में थी, थोड़ी सी बैठी उठ के तो छोटे छोटे तलुओं का दर्शन हुआ, और थोड़ी सी उचकी तो घुटनों का दर्शन हुआ, और थोड़ी सी उचकी तो नाभि के अग्रभाग और नासाप की शुकपोल नासिकम की मधुर माधुरी का मंगलमय दर्शन हुआ, थोड़ी सी और उठी तो दिव्य चुबुक और दिव्य नयन पटलों के कोने, जिस प्रकार से महाराज हिमालय के गोमुख के कोने में से कोई दिव्य मधुर गंगा की धारा कलकोल कल्लोलवंतरी प्रवाहित होती है, तद्वत रूप से ही श्याम सुंदर की श्याम आभा के आंखों के कोने के भाग से बह रहे लावण्य सौंदर्य की गंगा धारा का दर्शन करके चमकृत हो पड़ी एकदम महाराज, और थोड़ी सी उचकी तो छोटे से लाला को देखकर जय जयकार कर पड़ी, अरे बाबा तो बधाई हो, बाबा तो बधाई हो, बाबा तो बधाई हो, बाबा तो जर 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 मैं कहूं अभी जन्म भयो ने पुत्रा खाते आई जा रही है। अरे अभी छठे दिन आना भाई है। ऐसी मंगल तरंग जगी है, नंद बाबा चमकृत हो गए, गोष्ठ में खबर भिजवाई गई,
हे बाबा बाबा तेरे लाला हुआ है तंदस्तात्म जो उत्पन्न जाता अल्लाह दो महामना आहू अभिप्राण में तज्ञान स्नात सुचिरलंकृत। माता चार दिन बाद तो मशीन गर्म, भैया ऐसे कैसे छोड़ दूंगा मारे। ओ नंद बाबा झूम पड़े दासी के अपने कंठ में पड़े हुए दिव्य अनंत मणियों से आच्छादित दिव्य हार को उतार करके उसे प्रदान किया। उस दिव्य गर्भग्रह यशोदा जहां श्याम सुंदर प्रकट हो जाए वो निज ग्रह अब गर्भग्रह हो गया। परिचारिकाएं जागृत हो पड़ी, सब एकदम अवस्थित हैं। यशोदा मैया अभी धीरे धीरे अपनी तंद्रा से निवृत्त हो रही हैं। चारों तरफ परिचारिकाओं ने श्याम सुंदर की श्याम आभा को देखकर आनंदित होकर के एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आवृत रूप में गोल गोल घूम के उत्सव नृत्य गान शुरू कर दिया। जय हो जय हो, अरे क्या सुंदर लाला है। सबने पूरे कक्ष को घेर लिया। नंद बाबा उत्साह से आए हैं, कक्ष के द्वार पर खड़े हैं, भीतर कैसे जावें। बड़ी बड़ी माताएं महिलाएं खड़ी हैं, सबकी अपनी संकोच मर्यादा है, तो बाहर खड़े होकर के प्रतीक्षा कर रहे हैं कहीं से लाला का दर्शन हो जाए, कहीं से लाला का दर्शन हो जाए। परिचारिकाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ करके कटि प्रदोष के संग संग ढूंढती हुई उस दिव्य पर्यंक की परिक्रमा लगा रही है। उसी समय नृत्य के उत्साह में सखियों ने अपने हाथ को ऊपर किया और कटि प्रदोष को नृत्य पूर्वक जैसे ही एक दूसरे से दूर किया तो बीच में एक ऐसी संध बन गई जिस संध में एक तरफ श्री नंद बाबा खड़े थे और दूसरी तरफ श्याम सुंदर की श्याम आभा का मुखारविंद चमकृत हो रहा था। नंद बाबा उछल पड़े, जय हो जय हो जय हो, वाह नारायण आपकी ऐसी कृपा है। एकदम कूद पड़े और सबको हटा करके भीतर जाकर के अपने लाला को गोदी में उठा के हृदय से लगा लिया। यशोदा मैया की आंखें उसी समय खुली और देख करके बिचारा आहा, लाला को देख के आंखें उन पे अटक पड़ी। जितने भी अश्रुबिंदुओं के घट भीतर विद्यमान थे श्याम सुंदर के एक कटाक्ष के प्रभाव से वो सब यशोदा मैया के अश्रुबिंदुओं के घट विदीर्ण हो गए और आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होती थी। वो धारा श्याम सुंदर के शीश के ऊपर निपतित होती हुई उनके मस्तक से घूमती हुई उनकी पलकों से लुढ़कती हुई उनके कपोलों पर ठहरती हुई उनकी ठोड़ी पर थोड़ी देर रुकती हुई उनकी छाती पर टपकती हुई उनकी नाभि में भरती हुई उनके कड़ी प्रदोष से घूमती हुई उनके घुटनों में लुढ़कती हुई उनकी नकमणि के ऊपर रुकती हुई और जैसे धरती के ऊपर टपकती तो मारो महाराज श्री राधा रानी के श्री अंग पर विद्यमान जितने भी स्फुलिंग हैं वो सब अनंत पिपीलिकाओं के रूप में प्रकट होकर के यशोदा मैया के उस आंगन में घूमते हुए उस दिव्य अश्रुबिंदुओं में दिव्य स्निग्ध होते हुए वृंदावन की रज में लुंठित होते हुए इस संपूर्ण ब्रज को श्याम सुंदर के आगमन के लिए तैयार कर देते हैं। ये सब उसकी ही सूक्ष्मतम धारा का स्वरूप है। अब जब अभिषेक संपन्न हो गया, पहली विधि अभिषेक की ही है, शास्त्र विधि मुत्सृज्य, तब फिर माल्यार्पण करना है तो कहां से माला आवे कहां से फूल आवे। तो आनंद वृंदावन चंपकार कह रहे हैं मुक्ताहार मिवो किड़ौ कितब तिस्रै हस्रणौ बिंदु भी। जब आंखों से आंसू की बूंद गिरी उस बूंद के ऊपर सूर्य की दिव्य किरण पड़ी तो ऐसा लगा कि मुक्ताहर की माला यशोदा मैया ने श्याम सुंदर के कंठ पर डाल दी और अपनी कंचुकी का अनुमीलन करके निजस्तन भगवत मुखाम्भोज में प्रदान कर दिया। चसुर 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 भगवान श्याम सुंदर दुग्ध का आस्वादन कर रहे हैं और चारों तरफ बधाई के गान प्रारंभ हो गए। बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है, सब बड़े बड़े रुद्रादिक ब्रह्मादिक आज हमारे विश्वनाथ के यहाँ श्री नंद महोत्सव का मंगल उत्सव हो रहा है।